अयोध्या अपने आप में भारत की एक इट्स माइथोलॉजिकली इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज. व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या इट इज एसोसिएटेड विद रामायण. रामायण में जो हमारे सात कांड हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे डिपिक्ट हुए हैं इनके कॉलम्स के साथ. वी नीड टू थैंक द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर बिलीविंग इन अस कि हम एक पुरानी संस्कृति, पुराने आर्किटेक्चर, पुरानी जगह की अहमियत को हम वापस ला सकते हैं. अयोध्या एयरपोर्ट का फेज़ वन लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है, भावित है, एकदम बिल्कुल फाइनल स्टेज में कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है और उड़ान संभावित है हमारे. अभी हमारा ये एयरपोर्ट अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से ही विकसित हो रहा है. खासियत इस एयरपोर्ट की ये है कि इस एयरपोर्ट को राम मंदिर के तर्ज पर तैयार किया जा रहा है. इसकी जो शिखर और जो डिज़ाइन है वो अयोध्या की महत्व को दिखाती हुई हम लोगों ने रखी है. इसके अंदर हम लोग आर्ट वर्क भी राम जी के चरित्र से संबंधित कर रहे हैं. तो ये इस एयरपोर्ट की और जो दूसरे एयरपोर्ट से हट के एक ख़ास बात है कि हम लोग इसमें अयोध्या के चित्रण को राम जी के थ्रू दिखा रहे हैं. नहीं देखिए, ये जो भी उद्घाटन और ये जो होते हैं ये हमारे संबंध बातें नहीं हैं. ये जो भी बात होती है वो पीएमओ ऑफिस, सीएमओ ऑफिस और डीएमओ ऑफिस या हमारा कार्यालय जो दिल्ली में है वहाँ से होता है. इस बारे में यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है. कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो आप पूछेंगे मैं बता सकता हूँ. हमारा रनवे पूरा हो चुका है, बिल्डिंग 97% पूरी हो गई है और हम लोग अपने फिनिशिंग टच पर हैं. साफ सफाई चल रही है और इसको बहुत जल्दी हम रेडी कर लेंगे. नहीं, टाइम का कुछ नहीं, तो जो भी ऑपरेशन होगा या फ्लाइट की कोई भी डेट होगी वो ऊपर से तय होकर आएगी. कब उद्घाटन होना है, कब प्रचालन शुरू होना है, वो सब बाकी सब तैयार है हमारा. इसमें डिज़ाइन बहुत इंटरेस्टिंग है. यहाँ पे 90 मीटर की एक वॉल है, बहुत लंबी 90 मीटर बाय 5 मीटर की वॉल है. उसके ऊपर हम 14 पेंटिंग्स बना रहे हैं. राम जी 14 साल के लिए वनवास गए थे, तो राम जन्म से लेके जब वापस आते हैं उस कथा में हमने 14 बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स लिए हैं और वो 16 फीट बाय 21 फीट और हमारे इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट में फॉर्म में हमने उसको बनाया है. ये आर्ट हमने खुद, ये जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, वो खुद रिक्रिएट किया है. बहुत सारे ये लिया, जैसे हमारे पट्टचित्र है, हमारा जो अलग अलग जो ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म है उसको लेके कुछ चेहरे लिए जो हमारे जहन में बैठे हुए हैं और ऐसे हमने राम जी की, सीता जी की, हनुमान जी की, ऐसे हमने अलग अलग पेंटिंग्स बनाई हैं जो एक डेकोरेटिव आर्च के साथ लगेगी. जैसे कि आपने बताया, आई थिंक यही इसकी खासियत है कि जहाँ पर हम सारे एयरपोर्ट, सारे हर जगह जहाँ पर देखते हैं वो एक मॉडर्न उसमें होते हैं, डिज़ाइन में होते हैं, बाहर से भी अंदर से भी. बट यहाँ पे एक मैंडेट दिया गया था कि वी शुड अमेलगमेट वर्नैकुलर आर्किटेक्चर विद दी दैट इज़ प्रेवलेंट इन दी इथॉस ऑफ द सिटी विद दी टर्मिनल डिज़ाइन. एंड वो बहुत हद तक एक सक्सेसफुल एक एक्टिविटी रही है. दिस इज़ वेयर वी स्टैंड एंड वी आर प्राउड ऑफ इट एज अ मैंडेट कि येस वी हैव बीन एबल टू अचीव समथिंग वर्नैकुलर फॉर विच इंडिया इज़ नोन वर्ल्ड वाइड. इसके साथ ही यहाँ का जो डिज़ाइन है वो अयोध्या के इतिहास को किस तरह से प्रदर्शित करता है? अयोध्या का देखिए, अगर हम अयोध्या की बात करें, अयोध्या अपने आप में भारत की एक इट्स माइथोलॉजिकली इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज़. सो व्हेन वी टॉक अबाउट अयोध्या इट इज़ एसोसिएटेड विद रामायण.
अब रामायण में जो हमारे सात कांड हैं, जो चैप्टर्स हैं, वो हमारे डिपिक्ट हुए हैं इनके कॉलम्स के साथ। तो हमारे सात कॉलम्स हैं, मेन मेगा कॉलम्स जिनको हम कहते हैं, जो शिखर हैं उनकी हम बात करते हैं। सो इस तरह से अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं हमारी बिल्डिंग के, जो कि विच इज़ बीइंग टॉक्ड अबाउट इन दी ओवरऑल डिज़ाइन ऑफ द बिल्डिंग। ये इसका जो डिज़ाइन है वो इंस्पायर्ड है नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से। जितने आप कॉलम देख रहे हैं यहाँ पर, उसमें उसके पीछे देयर इज़ अ स्पिरिट बिहाइंड इट, इट इज़ बेस्ड ऑन द सेवन कांड्स ऑफ रामायण। तो चाहे वो रामायण हुआ, चाहे वो पूरा अयोध्या हुआ, उस टोटल उस एसेंस को कैप्चर करने का एक एफर्ट हुआ है जो कि हमारे सामने है। एयरपोर्ट का फेज़ वन लगभग कंप्लीशन के स्टेज में है, टर्मिनल बिल्डिंग का कार्य फाइनल स्टेज में है और फिनिशिंग चल रही है, और एयर स्ट्रिप और रेशा का काम और नाइट लैंडिंग फैसिलिटी कंप्लीट हो चुका है, और DGCA के लाइसेंसिंग के लिए भी अप्लाई हो चुका है, और ये भी जल्दी ही संभावित है, एकदम बिल्कुल फाइनल स्टेज में, कभी भी इसका इनॉग्रेशन किया जा सकता है और उड़ान संभावित है हमारा। Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.